हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं डेला रिजॉर्ट्स, जो कि लोनावला में बहुत ही लग्जूरियस रिजॉर्ट है। यहाँ एडवेंचर की बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और अगर आप वन नाइट स्टे लग्जूरियस वे में करना चाहते हैं तो दिस इज एन एप्ट प्लेस। लुक एट द काइंड ऑफ लग्जरी इट ऑफर्स यू। बहुत ही सुंदर आपको यहाँ पे आर्ट पीसेस दिखेंगे। और हम जब गए तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा था, हम उस वीकेंड में गए और हमने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। मिस्टर जिमी मिस्त्री, हु इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, हैज गिवन ऑल हिज हार्ट एंड सोल। आपको हर तरफ बहुत ही सुंदर आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। यहाँ पे पियानो मुझे बहुत अच्छा लगा और जब मैं आगे बढ़ी तो मुझे एक रेड कलर का लग्जूरियस ये पूरा सोफा सेट दिखा। और सिंस ही इज अ पारसी, तो आपको यहाँ पे पारसी के आर्टिफैक्ट्स एंड स्कल्पचर्स बहुत सारे नजर आने वाले हैं। Since the owner himself has been an architect, so इन्होंने इस जगह को बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया है और आपको जगह जगह लश ग्रीन gardens दिखने को मिलेंगे। So this was our accommodation Della में और हमने इसके 12,000 plus taxes pay किए because it was an extended weekend, otherwise आपको ये 10 से 12 की range में ही मिलेगा। तो हम जब गए तो बहुत अच्छा मौसम था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की और बहुत प्लेजेंट था। हमें यहाँ पूरा एरिया घूमने में बहुत ही मज़ा आया। ये आपको 4x4 में ट्रैवल कराते हैं और कई बार ये आपको बग्गी सिस्टम में भी, अगर आप जाना चाहोगे रिजॉर्ट घूमने के लिए तो आपको बग्गी भी प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे सिर्फ एडवेंचर स्पोर्ट करने भी आ सकते हो, जो कि एक डे एक्टिविटी है और उसके लिए आपको बस मिनिमल सा अमाउंट पे करना होगा। आपको पूरा रिजॉर्ट में रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप वन डे अगर ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो कम हियर एंड डू ऑल द एडवेंचर एक्टिविटीज़, दैट विल ऑल्सो बी अ प्लस। This place is a heaven for all dog lovers. यहाँ पे आप pay करो और dogs को घुमा सकते हो। तो जिनको ये अंदर से है कि हम घर में नहीं रख सकते, यहाँ पे आइए और dog को घुमाइए। यहाँ पे horse riding की भी एक activity है जो आप choose कर सकते हो। So you have huge variety of horses here. You can go and choose this horse. ये पूरा एरिया 43 एकर्स में स्प्रेड है, जहाँ पे एक रिजॉर्ट है। दे हैव फ्यू प्लेसेस जो कि ऑलरेडी लोगों ने बाय करी हुई है एंड देन दे हैव अ मिलिट्री कैंप ऑल्सो। अभी हम गए इनके फेमस पारसी रेस्टोरेंट में, जहाँ पे हमने लंच किया और यहाँ पे बहुत लोग आके लंच कर चुके हैं। देन वी एक्सप्लोर देयर बिस्ट्रो कैफे, जो कि इटालियन कुजीन का बहुत अच्छा एक कैफे था। यहाँ पे रात को आपको बहुत ही मज़ा आएगा बिकॉज ये पूरा लिट अप होता है और यहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आके इनका एक कैपेचिनो मशरूम सूप पिया, जो कि वर्थ हैविंग था बिकॉज ऐसा सूप मैंने आज तक कहीं नहीं पिया था। सो हैट्स ऑफ कि इनका जो ये मशरूम सूप था वो तो बहुत ही अच्छा था। दे ऑल्सो ऑफर यू ह्यूज वराइटी ऑफ डेजर्ट्स टू चूज फ्रॉम, बी इट चॉकलेट्स, बी इट जिलेटोज और आइसक्रीम्स, दे हैव अ ह्यूज वराइटी। हमने इनका कैफे 24 भी एक्सप्लोर किया। सो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, इट इज फुल ऑफ अ शॉप, जहाँ आप सोवेनियर्स और कुछ और छोटी छोटी चीज़ें परचेज कर सकते हो। देन वी वेंट एंड वी एक्सप्लोर्ड देयर एरिया विच वॉज फुल ऑफ जिम इक्विपमेंट्स। सो दे हैव अ जिम फॉर ऑल दोज हु आर जिम फ्रीक, तो आप यहाँ पे आके जिम भी कर सकते हैं। देन वी वेंट एंड वी एक्सप्लोर्ड एरिया जहाँ पे इनके हर जो लोग आ चुके हैं रहने के लिए उनकी फोटोग्राफ्स हैं, अलोंग विद द फैमिली फोटोग्राफ्स ऑफ जिमी मिस्त्री। इस एरिया में ना एक लग्जूरियस सा वाइट डाइनिंग टेबल था और उसके ऊपर ये वाइट हॉर्स, अमेजिंग। और उस तरीके से ये जो शैंडलियर आ रहा है विद दिस काइंड ऑफ स्टेयर्स और ये पूरे एरिया को जैसे डेकोरेट किया हुआ है, दिस इज लाइक लिविंग इन अ लग्जरी।
नाउ दिस इज़ द 24 आवर्स कॉफ़ी शॉप, यहाँ मल्टी कुजीन है और ब्रेकफास्ट अगर आपका इंक्लूडेड है तो आप यहीं पे ब्रेकफास्ट बुफे करने आएंगे एंड बहुत ही लाइवली सी ये जगह मुझे लगी। एक छोटा सा इन्होंने एक सेटअप दिया हुआ था जिसमें एक झूला टाइप का था एंड देन देयर वाज अ हॉर्स, सो यहाँ पे मैंने आके अपनी रील्स एंड अपनी वीडियोस बनवाई। एट नाइट देयर वाज अ बैंड परफॉर्मिंग एंड देयर वाज अ लेडी सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स, सो वी एंजॉयड अ लॉट। यहाँ के फीमेल वॉशरूम में आपको दो लड़के के पुतले भी नजर आएंगे। ओके सो नाउ देयर इज अ ट्विस्ट, सो ये रिजॉर्ट जो है पेड बेसिस पे बाहर से भी लोगों को अलाउ कर देता है स्विमिंग पूल एक्सेस के लिए, तो यहाँ आके आप एडवेंचर के साथ साथ स्विमिंग पूल भी ले सकते। नाउ आई विल शो यू कि ये रिजॉर्ट रात में कितना ब्यूटीफुल लगता है, जब पूरी लाइट्स जल जाती हैं तो आपको यहाँ पे घूमने में बहुत मज़ा आएगा। आप यहाँ पे आएँ अपने कपल के साथ, फ्रेंड्स के साथ और मे बी रिलेटिव्स के साथ ऑल्सो, और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं यहाँ पे, जगह जगह आपको फाउंटेन्स दिखेंगे और आपको लगेगा कि आपने जो भी यहाँ पे अमाउंट स्पेंड किया है दैट इज़ वर्थ पेइंग। जिस तरीके से यहाँ छोटी से छोटी चीज़ को ब्यूटीफाई किया गया है, हैट्स ऑफ टू मिस्टर मिस्त्री जिन्होंने पूरी अपनी जान लगा दी है टू गिव यू दैट लग्जरियस लाइफ हियर। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ देयर पोर्च एरिया जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। नेक्स्ट डे हमने एक प्रॉपर्टी राउंड किया जिसमें हमने रिजॉर्ट के ऊपर वाले सेगमेंट को एक्सप्लोर किया जहाँ पे ये टेंट्स हैं, तो दीज आर द लग्जूरियस टेंट्स जो थोड़ा सा एलिवेटेड है बट यहाँ पे आपको पैनोरामिक व्यू जो है वो बहुत अच्छा आता है। दो ये टेंट हैं बट अंदर सारी लग्जरी आपको प्रोवाइडेड है इन टेंट्स में। सुबह सुबह यहाँ हल्की हल्की सी ओस थी और उसके बीच में हमने यहाँ पे थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया विद माय फैमिली एंड वी रियली एंजॉयड दिस पार्ट ऑफ द रिजॉर्ट एज वेल। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो ये वाले टेंट में भी रुकना पसंद करूँगी एंड इनका मिलिट्री कैंप भी एक्सप्लोर करना चाहूँगी ज़रूर। Now let me show that what all variety they had in their lavish breakfast buffet spread. They had different varieties of fruits, juices, detox waters, cheese, variety of desserts, morning bakeries. Oh God, they had a lot of variety to choose from. कॉन्टिनेंटल के अलावा इन्होंने इंडियन में भी बहुत अच्छी वैरायटी दी हुई थी टू चूज फ्रॉम। सो जिनको सुबह सुबह उठ के इंडियन खाना पसंद है यहाँ पे उनके लिए भी दे हैव ह्यूज वैरायटी टू चूज फ्रॉम। आप खुद ही देख सकते हैं और गेस कर सकते हैं कि यहाँ पे कितनी वैरायटी है। हर कुजीन के अंदर कम से कम 5 से 6 वैरायटी तो इन्होंने दी ही हुई थी कि आप आए और उसको चूज करके खा सकें। आफ्टर द ब्रेकफास्ट वी वेंट एंड वी एक्सप्लोर्ड कि हम एडवेंचर एक्टिविटीज में क्या क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे आएं एंड ऐसी टिकट लिए जहाँ पे आपको वैरायटी मिले डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने की और आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सो वी डिसाइडेड कि हम स्टार्ट करेंगे एयर साइकिलिंग से जिसको मैंने अपने भाई के साथ किया। इनिशियली मैं बहुत घबराई हुई थी बट
क्योंकि दो लोग करते हैं तो बैलेंस आउट हो जाता है, और जब आप कर के नीचे उतरोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज अगर किसी को हाइट का फियर है तो इट विल ओवरकम दिस फियर एज वेल। उसके बाद हमने सोचा कि हम कपल बैठेंगे एंड मोटर कार चलाएंगे, तो उसमें हमें इन्होंने हेलमेट्स वगैरह दिए एंड हमने ये मोटर कार भी ट्राई करी। माय हस्बैंड वाज ड्राइविंग इट एंड वी रियली एंजॉयड। सिमिलरली माय ब्रदर ही चोज टू गो फॉर अ मोटर बाइक, सो उसने यहाँ पे मोटर बाइकिंग करी और ये पूरे एरिया के उसने 3 से 4 चक्कर आराम से लगाए। दे ऑल्सो हैव अ प्लेस जहाँ पे बिफोर आई डाई भी लिख सकते हो। बहुत मज़ा आ रहा था पढ़ के कि कौन क्या करना चाहता है। सो इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।